पढ़ाई कहाँ, किस क्लास में और शुरू में कहाँ पे पढ़ी थी? मैं बहुत छोटे से चौकपुर गांव में एक छोटा सा स्कूल है, उस टाइम पे प्राइमरी एजुकेशन तो मेरी वहीं हुई है, अमरावती स्कूल करके है, अब वो अमरावती कॉन्वेंट में तब्दील हो गया है। लेकिन उसके बाद मेरे पिताजी ने मेरा एडमिशन थोड़ा मतलब बाहर आशापुर, यहाँ से बाजार से हटके थोड़ा पड़ता है, शहर वाला इलाका है, तो वहाँ पे करवाया। लेकिन वहाँ पे भी मेरी पढ़ाई बस 5, कक्षा 5 तक मैं पढ़ी हूँ। उसके बाद नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस हुआ करता था उस टाइम पे, और 40 का बैच में मैं सेलेक्ट हुई थी। 40 के बैच में वो पहला नवोदय था वाराणसी जिले का, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो मैंने उसके बाद, वो एक फ्री एजुकेशन होता है और बहुत अच्छा, राजीव गांधी के टाइम पे उन्होंने शुरू किया था, हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो मैं नवोदय विद्यालय में पढ़ी। लेकिन वहां पे भी हुआ क्या कि मैं क्लास 8 9 तक ही पढ़ पाई हूँ वहां पे। वहां पे एक थर्ड सब्जेक्ट होता है उड़िया, हमें उड़िया सिखाई जाती थी, और मेरा सिलेक्शन उड़ीसा जाने के लिए हो गया था। लेकिन पिताजी को अच्छा नहीं लगा था कि मतलब बेटी ऐसे ही बाहर पढ़ रही है, और बाहर चली जाएगी तो मिलना दूर हो जाएगा, तो उन्होंने एडमिशन नहीं कराया, उन्होंने दूसरे स्कूल में मेरा ट्रांसफर करा दिया, SOS। ये तो अभी शुरुआत है, समझिए TCS एक शुरुआत होती है। जब आप मतलब मेरा UPSC में भी सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मैं वहाँ ग्रेड बी में हुआ था सिलेक्शन, और यहाँ पे ग्रेड 1 था, तो मैंने इसको जरूरी समझा कि मैं अपने प्रदेश में रहूँ। एक बार प्रदेश से क्या होता है कि हम जिस पोस्ट पे हैं उसमें मैं एक्सपीरियंस चाहती हूँ, मैं अपने जिले के जिलाधिकारी से मिलती हूँ, आज बैठती हूँ उनके सामने, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये 1-2 साल मैं एक्सपीरियंस गैदर कर लूँ, मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। आगे मैं यही चाहती हूँ कि मैं IAS मेन एग्जाम क्वालिफाई करूँ। बहुत सारी चुनौती आई थी, मैं आपको बताऊँ कि क्लास 11 12 के बाद से घर की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, पापा की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, और फिर ये कंडीशन आई कि मतलब ग्रेजुएशन करते मतलब फर्स्ट ईयर में ही मतलब उनका देहावसान हो गया, और उसके बाद से मतलब मम्मी अकेले थी और हम सब छोटे छोटे थे, कोई 12th में है, कोई अभी मतलब कि अभी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है, कोई 11th में है, हम 3 भाई बहन थे उस टाइम पे, और उसी समय ऐसा हो गया। वो बहुत क्रिटिकल फेज था हमारे लाइफ का, हम लोग मतलब हॉस्पिटल, घर, मेरी मदर हमेशा बाहर रहती थी, और उसके बाद जो है कि घर वालों की स्थिति ऐसी, जब क्या होता है ना, विपदा आती है तो हर तरह से आती है, तो क्या होता है आपको सपोर्ट करने के लिए उस टाइम पे कोई नहीं रहता है। लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे ज्यादा, मैं इसीलिए मतलब कि मैं बाहर भी अपनी PhD करते करते मुझे जर्मनी भी जाने का या फिर मतलब USA जाने का अपॉर्चुनिटी मिला था, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि मुझे पता था कि मुझे यहाँ के लिए काम करना है। मैं जिस स्थिति से गुजरी हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि आगे आने वाली पीढ़ी को या फिर जो मेरे साथ इस समय चल रही है उनको ये चीजें महसूस हो, और महसूस हो भी तो वो उसको पॉजिटिवली लें, उसको नेगेटिवली ना लें। मैं बस सारे लड़कियों के लिए एक ये करना चाहूंगी कि मैं उनके लिए पेरेंट में जागरूकता फैलाना चाहूंगी कि वो अपने बच्चियों को थोड़ा मतलब अगर वो 12 तक पढ़ा रहे हैं तो उनको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मौका दें, उनको इंडिपेंडेंट, उनको ये समझने का मौका दें कि वो भी कुछ कर सकती हैं और उनका जो डिसीजन है वो कमजोर नहीं है, वो आगे बहुत आगे बढ़ सकती हैं। महिला बहुत सशक्त होती हैं, उनके अंदर संवेदनशीलता होती है, और उस संवेदनशील होने के बावजूद वो एक बहुत अच्छा डिसीजन ले सकती हैं। तो इस चीज को मैं जागरूक करना चाहूंगी, मैं अपने गांव वालों से भी, मैं अपने प्रधान जी से भी बोला है कि मैं ये अनुरोध करना चाहूंगी कि आप थोड़ा अगर महिला सशक्तिकरण चाहते हैं तो आप अपने घर की बेटी बहुओं को भी, अगर वो बहुओं घूंघट में है चाहे नहीं है, उनको अपने बच्चों को पढ़ाने का मौका दीजिए। अगर वो अपने समय में नहीं पढ़ पा रही हैं तो अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनको थोड़ा सा एक सम्मान दीजिए। स्कूल अगर जो प्राइमरी स्कूल में है उनको बुलाइए, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो केवल पिता ही ना जाए, पिता के साथ माता जाए, उनका सम्मान करिए, उनको बढ़ाइए कि केवल ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से नारा लगाने से कुछ नहीं होता है, या फिर किसी इंडिपेंडेंस डे के दिन या फिर रिपब्लिक डे के दिन कहने से कुछ नहीं होता है। हर दिन अगर आप उनको सम्मान नहीं देंगे, उनको जागरूक नहीं करेंगे, तो आगे नहीं बढ़ पाएगा ये कारण। आज बहुत गर्वांतित हूँ, पूरा मार्केट ही गर्व से फूला नहीं समाया है। मेरे पूजनीय पिताजी ने भी अपनी पोती का देखा, पहला माला उन्होंने ही पहनाया था। बहुत गर्वांतित होता है कि मेरी बेटी भारत की बेटी है। मेरा सपना सपना नहीं, बच्चों का जो सपना होता है उस पर अमल करना चाहिए, न कि माँ बाप उस पर थोपें कि हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर ही नहीं सब कुछ होते हैं। बहुत होता है बच्चों का जो सपना होता है उस एम बना करके चलते हैं, लड़का हो या लड़की एक समान का नज़रिया रखना चाहिए। और पेरेंट्स को चाहिए कि माँ बाप की तरह नहीं डिबेट करना चाहिए बच्चों को, उनको सपोर्ट करना चाहिए और एक फ्रेंड की तरह रहना चाहिए हर एक सुख दुख में, छोटी से छोटी मुश्किल चीज भी नहीं क्यों ना हो। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।